स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि माइक्रोब्स के बारे में उनका क्लासिफिकेशन क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम यूजफुल माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हमारे डेली बेसिस लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन में एक माइक्रोब्स है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, मिल्क जो है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एक एसिडिक है, जिसे एल्कलाइन में बेसिक में कन्वर्ट करेगा कर्ड में। तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। ओके, लैक्टोबैसिलस। अभी बताया था हमने एक बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। तो लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल है कर्ड फॉर्मेशन में, या मिल्क को कर्ड में टर्न करेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन के लिए मल्टीपल माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट का। ईस्ट जनरली एक यूनिसेल्युलर फंगी है जो फर्मेंटेशन में की रोल प्ले करता है। फर्मेंटेशन से ही नंबर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ बेवरेजेस, एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रिपेयर्ड होते हैं, राइट। तो फर्मेंटेशन में जब ईस्ट को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत जल्दी फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें, और वो बहुत जल्दी क्या होगा कि अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। ओके, तो फर्मेंटेशन को इनक्रीज करने के लिए हम ईस्ट को यूज़ करते हैं। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेल्युलर फंगी है, राइट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज मेडिसिनल यूज। माइक्रोब्स का क्या क्या मेडिसिनल यूज है, मेडिसिन में क्या क्या यूज होते हैं? वेल, अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन या वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर मैं एक फंगी की बात करूँ तो पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन एक ड्रग है जो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से प्रिपेयर्ड होती है, ओके, और जो वाइडली यूज होती है, राइट। इसको जनरली प्रिपेयर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट है उन्होंने, जिसके लिए उन्हें नोबल प्राइज मिला था, राइट। तो इसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। चलिए थोड़ा सा एंटीबायोटिक के बारे में भी समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल यूज का ही एक टाइप है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एक ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है कि जब हम किसी एक माइक्रोब से कुछ एक सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो दूसरे माइक्रोब्स की एक्टिविटी को बिल्कुल रिमूव कर दे या उसकी एक्टिविटी को हॉल्ट कर दे, राइट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी एक माइक्रोब से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, जो दूसरे माइक्रोब की एक्टिविटी को बिल्कुल रिड्यूस कर दें, ओके, तो उन्हीं को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जनरली इफेक्टिव होती हैं बैक्टीरियल डिजीज में, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब बैक्टीरियल डिजीज में कैसे होती है? क्योंकि एंटीबायोटिक जनरली अटैक करती हैं किसी भी माइक्रोब्स की सेल वॉल पे। बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है, इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज में एंटी डॉक्टर जनरली आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है और विद इन अ वीक जो पर्सन है वो ठीक हो जाता है। लेकिन वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक एक्टिव इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वायरस की अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी तक। इस वजह से वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होती, और इनकी एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स प्रिपेयर करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है वायरसेस की। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती नहीं है, ये होस्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं। यही रीज़न है कि COVID-19 जो एक पेंडेमिक है उसकी जो वैक्सीन है अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ की ड्रग्स या वैक्सीन को प्रिपेयर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, ओके। तो एंटीबायोटिक मैंने बताया आपको किसी एक माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट हो तो दूसरे माइक्रोब की एक्टिविटी को डिमिनिश कर दें या रिड्यूस कर दें, राइट। सो तो ये वेरियस एंटीबायोटिक के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। फंगस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग एनवायरमेंट, ओके, एंड दे बिहेव एज अ सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट उन्हें कहते हैं हम जो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दैट अगर कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म डेड है तो आफ्टर सम टाइम कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज से वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर फंगस, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एनवायरनमेंट क्लीनर या सेप्रोफाइट।
सॉइल फर्टिलिटी एज आई टोल्ड यू इससे पिछले वाले चैप्टर में कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो भी वेस्ट है उसे डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है राइट तो ये सॉइल फर्टिलिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कमेंसल मीन्स ईटिंग एट द सेम टेबल अब मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी में हमारे इंटेस्टाइन स्टमक में वेरियस बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन को इंक्रीज करते हैं जिससे फूड बहुत रैपिडली डाइजेस्ट हो सके राइट और बॉडी में ईजिली वो अब्जॉर्ब हो सके या न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो सके ठीक है तो इसलिए हमारी बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन को बहुत स्मूथली और बहुत इफेक्टिव मैनर से उसको प्रोसीड करते हैं राइट तो ये तो थे यूजफुल माइक्रोब्स जिनका फ़ायदा है हमें अब अपार्ट फ्रॉम दैट देयर यूजफुलनेस इनके कुछ हार्म भी हैं इनका कुछ नुकसान भी है वेल नंबर क्या क्या इनका नुकसान है सबसे पहला है कि फूड स्पॉयलेज फूड को ख़राब करने में माइक्रोब्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है जनरली जो स्पॉइल्ड फूड है अगर उसे कोई पर्सन कंज्यूम करे तो बीमार हो सकता है ठीक है तो फूड स्पॉयलेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल माइक्रोब्स ही प्ले करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ नंबर ऑफ हार्मफुल डिजीज इन ह्यूमंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं ये एक बैक्टीरिया से होगा जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ठीक है सिमिलरली पोलियो एक वायरल डिजीज है पोलियोमाइसिटिस नाम के वायरस से होती है कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरियम से होती है कोविड 19 एक वायरल डिजीज है कोरोना वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है मलेरिया एज आई टोल्ड यू प्लाज्मोडियम ठीक है प्रोटोजोन्स जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये कुछ हार्मफुल डिजीज हैं जो माइक्रोब से कॉज होंगे ह्यूमंस में अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनिमल्स में भी कुछ डिजीज कॉज करते हैं जैसे एंथ्रेक्स ठीक है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है एनिमल्स में ठीक है फुट एंड माउथ डिजीज ऑल्सो ठीक है ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं राइट अपार्ट फ्रॉम दैट डिजीज कॉजिंग इन प्लांट ये माइक्रोब्स प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं देखिए सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है जो सिट्रस में होगा रस्ट ऑफ व्हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्ट ऑफ व्हीट मोजाइक ऑफ टोबैको एंड पोटैटो आर कॉज्ड बाय वायरसेस तो अपार्ट फ्रॉम देयर यूजेस माइक्रोब्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कुछ नुकसान भी हैं ठीक है तो इस पोर्शन में हमने डिस्कस किया कि माइक्रोब के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं